हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीस्ट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में। जी हां, उनको लेके एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने रसल मीने 33 में गोल्डबर्ग को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम करी थी और तब से लेके अब तक वो यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं। वहीं हमें ये याद रखना चाहिए कि वो एक पार्ट टाइमर हैं। इस साल रसलमेनिया 34 में उन्होंने अपना टाइटल रोमन रेंस के खिलाफ डिफेंड करा था, जहां उन्होंने रोमन रेंस को मात दी थी। इसके कुछ दिन बाद ही सऊदी में हुए ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में भी ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को मात दी। काफी टाइम से ये कहा जा रहा था कि ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल रसलमेनिया 34 में हार जाएंगे, लेकिन ऐसा वहां नहीं हुआ। इसके बावजूद कहा गया कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में वो अपना टाइटल हार जाएंगे, बट वहां भी ऐसा नहीं हुआ। अब उनको लेकर एक अच्छी खासी अपडेट आ रही है। वहीं आप सबको याद होगा कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में रोमन रेंस के खिलाफ अपना टाइटल का बचाव करने के बाद ब्रॉक लेसनर अब तक WWE में दिखाई नहीं दिए हैं। फैंस के मन में सवाल यही है कि ब्रॉक लेसनर कब दिखाई देने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले अपडेट ये आ रही थी कि शायद ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक में दिख सकते हैं, बट अब इन खबरों पे फुल स्टॉप लग चुका है। अपडेट अब ऐसी आ रही है कि ब्रॉक लेसनर हमें जुलाई की शुरुआत में दिख सकते हैं। अगर वो जुलाई की शुरुआत में नहीं दिखे तो वो अगस्त में होने वाले समर स्लैम PPV में दिख सकते हैं और अपने टाइटल को डिफेंड कर सकते हैं। वहीं आपको एक जानकारी और दे दूं, बताया ऐसा भी जा रहा है कि WWE में ब्रॉक लेसनर के लिए समर स्लैम तक कोई भी मैच प्लान नहीं किया गया है। वहीं अपडेट ऐसी आ रही है कि ब्रॉक लेसनर अब शायद समर स्लैम में अपना टाइटल गंवा देंगे और WWE को अलविदा कह देंगे। वहीं कुछ अपडेट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जुलाई में होने वाले PPV एक्सट्रीम रूल में शायद ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल मैच खेल सकते हैं और वो वहां पर अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे, बट इसके बाद अगस्त में होने वाले PPV समर स्लैम में वो अपना टाइटल गंवा सकते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जहां तक उम्मीद करी जा रही है तो ब्रॉक लेसनर हमें समर स्लैम 2018 में जरूर दिखने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर WWE के अच्छे खासे रेसलर हैं और उनमें इतना दम है कि उनके नाम से ही अरीना फुल हो जाती हैं। ब्रॉक लेसनर के पास टाइटल को रखे हुए काफी टाइम हो चुका है। वहीं जून में ब्रॉक लेसनर बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk का भी रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। वैसे अभी ये बात साफ नहीं है कि समर स्लैम में WWE ब्रॉक लेसनर के सामने किस सुपरस्टार को डालेगी। अगर वाकई WWE का ये प्लान है कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में टाइटल गंवा देंगे तो वो कौन सा सुपरस्टार होगा जो समर स्लैम में टाइटल जीतेगा, ये देखने लायक होगा। वैसे ये केवल रूमर्स हैं जो कि ब्रॉक लेसनर को लेकर रसलमेनिया 34 में भी आए थे और ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल से पहले भी आए थे। अब देखना होगा कि ब्रॉक लेसनर WWE में कब वापसी करते हैं और कौन उनके सामने चुनौती बनता है समर स्लैम 2018 में। आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2018 में अगर टाइटल गंवाते हैं तो वो कौन सा सुपरस्टार होगा जो टाइटल जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।